नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल टिक बॉस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप जो है कि हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं एक मोबाइल फोन का, जिसमें जो है दोस्तों कि हम इसको जो है कि फ्लिपकार्ट से मंगाया है। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया है, तो चलिए हम इसको जो है कि फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं और जानते हैं कौन सा मोबाइल है, क्या इसका फ्यूचर है, और दोस्तों आप कौन सा मोबाइल यूज करते हैं ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेक्निकल टिक बॉस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन प्रेस करिए ताकि हमारे हर एक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों हमारे चैनल पर चल रहा है गिव अवे, जिसमें जो है कि आप 10,000 एमएच का पावर बैंक जीत सकते हैं। तो दोस्तों आप जो है कि इस वीडियो के एंड में आपको वो भी वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो वीडियो को देखिए और जाके टर्म ऑफ कंडीशन को फॉलो करिए और आप भी विनर बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको जो है कि हम फटाफट से इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और जो है कि हम इसके लिए चाकू का यूज करने वाले हैं जो कि फ्लिपकार्ट से मंगाए हैं मोबाइल, सॉरी कटर नहीं। तो हम इसको जो है कि कुछ इस तरह से काट लेते हैं फटाफट से, और काटने के बाद दोस्तों इसके अंदर देखते हैं कि क्या। और दोस्तों ये अनबॉक्सिंग जो है कि काफी लोग का ऐसा कंफ्यूजन होता है कि हम जब ऑनलाइन फोन मंगाते हैं तो फ्रॉड होता है, तो उसको भी जो है कि हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्या होता है। तो चलिए ये जो है कि डब्बा यहाँ पे खुल चुका है, और जो है कि इसके अंदर दोस्तों ये रहा, फिलहाल ये डब्बा में कुछ नहीं है, जिसको हम हटा देते हैं। और ये यहाँ पे इस तरह से एक रैपिंग किया हुआ है, थोड़ा सा सेफ्टी के लिए इनको करते हैं ताकि फोन जो है कि टूटे ना। और जो है कि यहाँ पे दोस्तों हमारा डब्बा खुल चुका है, फिलहाल इसको भी हटा देते हैं। दोस्तों इसका जो बिल है इसमें दिया हुआ है, तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो है कि ओप्पो का जो है कि फोन F17 Pro, जी हाँ दोस्तों मेरे हाथ में जो है कि ओप्पो का F17 Pro है दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। तो चलिए जो है दोस्तों अब इस डब्बे को हम खोलते हैं और देखते हैं क्या फोन निकलता है या नहीं निकलता है या क्या होता है। तो फिर से मुझे कटर का यूज करना पड़ेगा, और उतना कोई मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। एक दो बार और मैंने वीडियो बनाया है अनबॉक्सिंग का, उसमें भी मैंने हमने बताया कि अनबॉक्सिंग का हमारा कोई इतना बड़ा अनुभव नहीं है कि जो हम आपको अनबॉक्सिंग जो है कि इतना फास्ट करके दिखाएं। तो दोस्तों हम जो है कि बहुत धीरे धीरे कर पाते हैं अनबॉक्सिंग। और दोस्तों इसमें जो है कि आपको 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ मिलता है, जैसे कि आप देख पा रहे ये अपना 8GB रैम और 128GB स्टोरेज, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है दोस्तों, इतना से ज्यादा हम यूज नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद हम जो है कि देखते हैं कि फोन कैसा देखने को मिलता है। और देखिये दोस्तों ये इस तरह से कुछ निकल गया है डब्बा। अब डब्बे के बाद जो है दोस्तों ये अपना निकलने वाला है फोन, तो निकल गया सिम इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे जो है कि फोन भी निकल गया है, और ये सबसे ऊपर में ही जो है दोस्तों कि हमें फोन देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह से। तो हम इसको देखते हैं अभी, और उसके बाद देख लेते हैं कि और हमें क्या क्या देखने को मिलता है इसके अंदर। तो ये रहा कुछ इस तरह से दोस्तों, जो कि ओप्पो का कुछ यहाँ पे यूजर मैनुअल वगैरह ये सारा कुछ कागज पत्र वगैरह वगैरह ये दिया हुआ है। और दोस्तों ये जो है कि इसका कवर है, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत सॉफ्ट है, और जो है कि मतलब हाथ में लेने पे इसका फीलिंग जो हो रहा है दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा सा फीलिंग हो रहा है कि मतलब कुछ हाथ में है। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे हमारे को देखने को मिल जा रहा है दोस्तों। इसके बाद जो है कि हमें यहाँ पे चार्जर ये डाटा केबल मिल जाता है, और उसके बाद जो वाह ये जो चार्जर देख रहे हैं दोस्तों, ये चार्जर मेरे ख्याल से मतलब अच्छा खासा करीब 150-200 ग्राम इसका वजन यहाँ पे है। और ये कितना वाट का चार्जर है ये देख लेते हैं, ये 30 वाट का फास्ट चार्जिंग के साथ हमें मिल जाता है दोस्तों, तो इसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं। और जो है कि दोस्तों इसके अंदर जो है कि हमें ईयरफोन भी देखने को मिल जाता है, जो कि अभी काफी सारे फोन के अंदर नहीं है, तो इस फोन के अंदर जो है कि हमें ईयरफोन भी देखने को मिल जाता है। ओप्पो का ये बहुत बड़ा मेहरबानी है जो आज के डेट में भी ईयरफोन दे रहे हैं। बाकी जो है दोस्तों इस डब्बे के अंदर और कुछ भी नहीं होता है, तो इस डब्बे को हम हटा देते हैं। तो देखिए दोस्तों इतना सारा इसका हो गया, अगर डब्बा को अलग अलग करके देखें तो इतना हो जाता है। चलिए चार्जर को तो मैं तारीफ करूंगा कि इतना बड़ा है, अगर किसी का मार दिया जाए तो इसे सर फट जाएगा। बाकी जो है कि फोन को निकालते हैं दोस्तों, मेरा भी बेसब्री से इंतजार था है, और मैं ऑनलाइन कुछ भी परचेज करता हूँ तो मैं बार बार उसको ट्रैक करते रहता हूँ, मेरा सामान कहाँ पहुंचा कहाँ पहुंचा। तो इसको जो है कि इस तरह से कुछ हम निकालते हैं, और देखिये ये मैं सोच रहा हूँ क्या, और ये देखिए फोन जो है कि इतना इसका जो बटन है इतना मतलब सॉफ्ट है कि जो है कि मतलब हम इसको हल्का सा पुश हुआ है और ये जो है कि फोन स्टार्ट हो गया है। देखिए निकालने के बाद दिखाते हैं आपको।
और बड़ा फिक्स ये रहता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों इस तरह से कुछ अपना फोन देखने को मिलता है। और यहाँ पे इसका जो कलर भी है दोस्तों, कलर भी आप देख पा रहे होंगे। और इसका स्टार्ट होने का लुक देखिए, तो इस तरह से कुछ यह स्टार्ट होता है। पीछे में चार कैमरा दिया है दोस्तों। इसके बाद जो है कि जैसा देख पा रहे होंगे यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट है, सारा कुछ करने के लिए जो है कि अपना यूएस इंग्लिश वगैरह जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट हम इसको कर देंगे। और ये वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, फिलहाल अभी हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो जो है कि एक्सेप्ट और लेटर इसको कर देते हैं, लेटर नेक्स्ट नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों इस तरह से कुछ अपना फोन यहाँ पे दिखता है। इसका कैमरा की बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें कैमरा कितना देखने को मिलता है। इसका फ्रंट में जो है दोस्तों यहाँ पे दो सेंसर दिया हुआ है कैमरा का, बैक में चार दिया हुआ है। इसके अंदर जो बैटरी देखने को मिलता है दोस्तों, ये 4000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। और जो है कि इसका फ्रंट कैमरा जो है, ये जो है कि आपको 16 MP को देखने को मिल जाता है। और पीछे में 48 MP का कैमरा इसमें देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो ये जो है कि फोन आपके लिए बेटर होगा। बाकी जो है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप कौन सा फोन यूज करते हैं, और ये अगर ओप्पो का अगर फोन यूज करते हैं तो क्या इसमें कमियां हैं, आप इसके बारे में हमें जरूर कुछ अपना सजेशन दीजिएगा। जो मैं इसको यूज परचेज किया हूँ अभी फिलहाल, तो यूज करके देखता हूँ किस तरह से ये इसका परफॉर्मेंस रहता है। तो दोस्तों यही एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैं आप लोग को ये अनबॉक्सिंग दिखाना चाहता था। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं आपको दोस्तों फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।